मैकेनिकल एस्टिमेट कॉस्टिंग के अंदर एस्टिमेशन ऑफ वेट, कोई भी कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चर करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करने में जो मटेरियल यूज में लिया जाता है असली हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ एनी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट जो है जिसमें डिफरेंट शेप एंड साइजेस इन्वॉल्व होती हैं, तो उन शेप्स एंड साइज के अकॉर्डिंग उस कंपोनेंट को हम डिवाइड करते हैं, मतलब सब कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने ये फिगर आपके सामने दिखाया है, ये लेथ का डेड सेंटर है, तो ये पूरा एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर इसका हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम इसको कंपोनेंट को सब डिवाइड करेंगे। तो जैसे इसमें दिखाया है जस्ट ए कंपोनेंट जो कि कौन है, बी सिलेंड्रिकल शेप में है, देन अगेन सी डी ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है, मैन ई इज फर्स्ट टर्म ऑफ कौन। तो इस तरह से हम इनको सब कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, आई मीन सभी सब कंपोनेंट्स के वॉल्यूम हम निकालेंगे। फर्स्टली हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो जैसे वॉल्यूम आपको मालूम होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सब कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज क्या होता है। तो मैंने यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जैसे पाई बाई फोर डी स्क्वायर एल, डी है डायमीटर ऑफ सिलेंडर है, एल लेंथ या हाइट है। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन पाई एस बाई थ्री आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू। आर वन आर टू रेडियस हैं जो कि दोनों साइड के हैं, मतलब आर वन फर्स्ट साइड सेकेंड साइड आर टू। इस तरह से कोई भी शेप साइज, अगर अगर कोई रिंग हो तो रिंग का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें कि रिंग का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लेना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पाई ऑफ फोर डी स्क्वायर लिया है, देन पेरिफेरल लेंथ, तो पेरिफेरल उसकी पेरिफेरी लेके और उसको हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो मैंने यहाँ इस कंपोनेंट में वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम ऑफ ए जो कि कौन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर इसका 20 हो जाएगा और एच 60 है। पर इन केस की यहाँ अगर आपका एंगल थीटा दिया हुआ है, सपोज कि ये एंगल थीटा है, तो हम जो भी अकॉर्डिंग टू थीटा जो है इसकी हम हाइट भी निकाल सकते हैं। अगर हाइट डी भी नहीं है तो इस केस में आपको थीटा दिया होगा। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ बी कंपोनेंट जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, तो पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और वॉल्यूम निकाल लिया। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ सी, वॉल्यूम ऑफ डी हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ई की जो शेप है फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन की शेप है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ कॉन का फार्मूला लगा के इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। नाउ उस कंपोनेंट को टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए जितने भी सब कंपोनेंट्स के वॉल्यूम हमने निकाले हैं, तो वी ए वी बी वी सी वी डी वी ई इन सभी को हम ऐड करेंगे, तो टोटल वॉल्यूम इसका वी आ जाएगा। इस तरह से ये जो कोई भी कंपोनेंट है जिसकी शेप्स दी हुई हैं या ड्राइंग दी हुई है, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन द वॉल्यूम, देन एडिशन ऑफ ऑल सम कंपोनेंट वॉल्यूम्स और वो टोटल वॉल्यूम निकालेगा। देन उसके बाद जो मटेरियल उसका बना हुआ है उसकी मास डेंसिटी दी होगी, तो मास डेंसिटी से टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करिए, उसका वेट हो जाएगा। इस तरह से अगर इसका कॉस्ट निकालनी है तो उस वेट को रुपीस पर केजी उसकी जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करिए, तो उसकी कॉस्ट निकलिए।